प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन चला गया है, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है उसे हमें बिगड़ते नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छा है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती हुई हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर्स नर्स इतनी बड़ी आबादी को निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच से ये समय लापरवाह होने का नहीं है, ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया है या फिर अब कोरोना से कोई ख़तरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को बचाने में सफल रहा है। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। ये समय बहरहाल किसी भी हालत में लापरवाही बरतने का नहीं है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम खतरे से बाहर निकल आए हैं। हाल के दिनों में बहुत से वीडियो तस्वीरें देखी हैं जिसमें साफ पता चलता है कि बहुत लोगों ने सावधानी बरतना बंद कर दी है फिर या ढिलाई बरत रहे हैं। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने को और अपने परिजनों को उतने बड़े संकट में डाल रहे हैं। आज अमेरिका यूरोप के देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन अचानक से फिर बढ़ने लगे हैं, ये चिंताजनक बढ़ोतरी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतीयों ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेज़ी नज़र आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए फिर भी जीवन को गति देने के लिए तत्पर हैं, रोज़ घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाज़ारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है लेकिन आपको एहतियात की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि अब हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही हैगी और कारोबार भी शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत हैगी ताकि हमें और हमारे परिजन महफूज रह सकें।